रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hey Amayra, I didn't know you could stand and do it. Whip it out and show us what you got. Shut up. Amayra, what were you talking about? Nothing. अब तो तुम्हारा shake hand हो गया ना उन bullies के साथ. अब क्यों नहीं खेलनी फुटबॉल? क्योंकि नहीं खेलनी. क्योंकि नहीं खेलनी? लेकिन तुम ऐसे डर के छुपते रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? पापा की भी रैगिंग हुई थी कॉलेज में. Look how strong I became. मर्द का बच्चा बन यार. नहीं बनूंगा मैं. आजकल असली मर्द कहाँ रह गया मैडम? हमारे टाइम पे हुआ करते थे असली मर्द. अब तो सब लोग सेंसिटिव हो गए. हेलो, यस मिस. अमायरा. अमो. Mom, I'm doing my homework. अमो, open the door. लॉकिंग द डोर. ये क्या पहना है तुमने? क्यों? फैशन परेड में जाना है? टॉक प्रॉपर्ली. अनुजा टीचर का फोन आया था. She's a loser. Some boy Kevin took your photo. He's a big loser. Don't call anyone a loser. तुम बॉयज बाथरूम में क्या कर रही थी? Why is everyone making it such a big deal? Mom, छोटी सी बात है. उस केविन ने फोटो ले ली होती ना तो बात बढ़ती नहीं. लैंग्वेज अम्मू. क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? टेल मम्मा, तुम गर्ल्स बाथरूम क्यों नहीं यूज कर रही हो? नहीं जाना मुझे. मुझे लड़की नहीं बनना. ओके? तुम्हें लड़की नहीं बनना. वाह, तुम्हारे भाई को लड़का नहीं बनना. डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. सीरियसली. पर देखो, मैं तो सर्टिफाइड हिप्पी हूँ. तुम्हें ढोकला भापड़ा को तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. डी, व्हाट्स अप विद योर सन? उसने खुद चूज किया ये ड्रेस. ओहो, और तुमने पहनने दिया? कहना था ना लड़कियों के कपड़े हैं. आई एम अगेंस्ट डिफाइनिंग जेंडर. मैं उसे क्यों कहूँ कि ये चीजें लड़कियों के लिए हैं और ये चीजें लड़कों के लिए हैं. एज अ पेरेंट मेरा काम सिर्फ इतना है दैट आई एनकरेज हिम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. हिमसेल्फ? शी सेड दैट हरसेल्फ. लुक एट द पुअर कंफ्यूज्ड चाइल्ड यार. एंड देन यू ब्लेम जिगर. ओह, तो अब तुम दोनों को भी लगता है कि आई एम अ बैड मॉम. नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम बुरी माँ. You just think that you're little cuckoo. और ऐसे ही चलाना तो you're going to lose his custody. You get it? Hi Meera. Last week तुमने निष्का के birthday पे अर्जुन को भेजा था ना? I wanted to return this gift. Same same दो मिला क्या? No darling, तुमने निष्का को kitchen set दिया था. Oh my God, kitchen set? पर ये तो fun toy से है. ये तुम्हारी small town में चलता होगा Meera. But we do not gift our girls domestically predetermined role playing toys. And I don't want कि निष्का को ये लगे अभी से that she is just good enough for kitchen. Babe, तुम क्या सोच रही थी? लड़कियों को किचन सेट कौन देता है? मैंने दिया. क्या? लड़कियों को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए. बचपन से सुना था, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां घरेलू, लड़के स्पोर्ट्स में अच्छे और लड़कियां पढ़ाई में. पर एज अ पेरेंट मुझे सोचना चाहिए कि अगर मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं तो फिर मैं उनके लिए रेत में लकीर क्यों बनाऊं? इस तरीके से हैरेस करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाँ, हैरेस? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों हैरेस करूंगी भला आपको? अरे, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है ना आखिर. मैं तो बस यही सोच रही थी कि सामने सामने आकर सबके सामने बैठ जाती हूँ और फिर शाइस्ता से खुद पूछ लेंगे कि उसे मुझसे दोस्ती करनी भी है या नहीं. I'll get you arrested. तुम मगर मुझे मेरे फैमिली के आसपास भी दिखी ना. अरे 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 अरे, बस बस, इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? माँ हूँ मैं उसकी, मेरा भी तो हक बनता है ना उस पर. You just watch it, okay? Just watch it. Trisha, just cancel all my meetings. हाँ? हाँ नहीं आ रही office. I need to be with Shayesta. आज I managed to offend a mother क्योंकि मैंने उनकी लड़की को लड़कियों वाली टॉयज दे दी. पर मुझे किसने सिखाया कि ये टॉयज लड़कियों के लिए है? मेरी माँ ने. और उन्हें किसने सिखाया? क्या सेंचुरीज पहले किसी क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट ने ये तय किया कि ब्लू मैनली कलर होता है और पिंक गर्ली कलर? पर अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो इन दोनों ढांचों में फिट ना हो तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पिंक एंड ब्लू कैन आई डेयर टू बी येलो? अर्जुन स्लोली. हाँ अनमोल, नॉट यू. गिफ्ट रिटर्न करने आई थी. व्हाट यू मीन शॉपिंग इन माई फ्री टाइम? तीनों बच्चों की छुट्टी अलग अलग टाइमिंग्स पे हो इज नॉट फ्री टाइम. अच्छा सी यू दीप. Hi, hi, hello. Hi, Meera. How is baby? How is? Hi. How are you? What have you brought for the kids? Gift return करने आई थी. क्यों? गलती से मैंने किसी लड़की को लड़कियों वाली गिफ्ट दे दी. माँ got offended. इसमें क्या है? मेरा बेटा डॉल्स के साथ खेलता है. In fact, वो अपनी डॉल के बिना सोता भी नहीं है. That's so cute. I think it's sweet. It's sweet but tough. Just look at these aisles. Markets हमें क्या बता रही है? Girls को kitchen set, boys को guns. We've already decided हमें क्या खरीदना है. No. Meera, I disagree. Look around. I like this. Does it look good? Really good. It's not pre-decided. I have decided. I want this. Absolutely. You look great in it. Yeah. चलो. Arjun, wait there. मैंने वो सब सर्वर्स को कैप्स और ग्लव्स बना दिए. लास्ट टाइम आपने बोला था इसलिए. स्मॉल टॉक इज अ साइन ऑफ वीकनेस अनुजा. मिसेस कपाड़िया कह रही थी तुमने किटी में जाना छोड़ दिया. नहीं वो मॉम, मैं आई एम हेड ऑफ पीटीए तो वहाँ पे मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ. लेकिन मैंने उनकी बेटी को वो कोचिंग क्लासेस के नंबर दे दिए थे. इट वाज अ स्कैम बट आई गिव द नंबर. होटल में देखा तुम्हें मिसेस कपाड़िया ने. नहीं वो बस संभल कर रहना नहीं आता तुम्हें. सारे शहर को तमाशा दिखाना है. नहीं वो साहिल अभी भी है. हाँ लेकिन मैं सिर्फ बात. मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम वहाँ क्यों गई थी. मैंने तुमसे ये पूछा कि किसी ने तुम्हें देख कैसे लिया. रेपुटेशन इज एवरीथिंग, यू नो दैट. लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इतना सिखाया है मैंने. और तुम तो आजकल की सोशल मीडिया जनरेशन हो. यू वेरी वेल नो दैट जो दिखता है वही सच है. नो यू कांट अफोर्ड इट. तुम दुनिया को अपनी शादी का खोखलापन नहीं दिखा सकते. लोग तुम्हारी कमजोरी देखेंगे, तुम्हें और कमजोर करेंगे. मॉम, तरुण और मेरे बीच में कुछ. मुझे नहीं सुनना. तुम्हारी शादी में क्या अरेंजमेंट्स है क्या नहीं, रियली आई डोंट वांट टू नो. और किसी और को भी पता नहीं चलना चाहिए. वो मर्द है, बचकर निकल जाएगा. आई एम योर मदर अनुजा, इसलिए वापस याद दिला रही हूँ. डोंट फॉरगेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू बी मिसेस तरुण जोशी. Fun. You know, हमें अर्जुन, नक्स और तारा की और प्लेडेट्स रखनी चाहिए. They're so good together, ना? It's a perfect age, ना? My older ones are such grumpies. Preteens, हाँ. अम्मू तो मुझे प्रीमेच्योर ग्रे है देने वाली है. पता है स्कूल से फोन आया, वो बॉयज बाथरूम में चली गई. क्यों? पता नहीं. जब भी मैं पूछती हूँ उल्टा जवाब मिल जाता है. She's such a simple child, you know. मुझे पता नहीं क्या बॉदर हो रहा है उसे. Don't worry, I'm sure कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा. और ऊपर से अनमोल निकी के पीछे पड़ा है. मर्द बनो, फुटबॉल खेलो. Well, fathers are tough. मुझे याद है जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था मैंने वहाँ फ्लूट बजाना सीखा। My dad was so angry. He was like, कुछ सीखना है तो गिटार सीखो। Even made the teachers punish me. And you know, boarding school teachers केन पड़ती थी। तुम्हारी पिटाई हुई फिर भी इतने सेंसिटिव बने? बच्चों ने बना दिया। मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और पापा भी हूँ, पर मेरे बच्चे फ्लूट बजाने के लिए मार नहीं खाएंगे। तुम इतने कूल नहीं हो जितना तुम दिखाते हो। मेरी रेप्यूटेशन मत बिगाड़ो यार। Your secret is safe. जब से हम कानपुर से शिफ्ट हुए हैं, इस इलीट स्कूल की इलीट दुनिया ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को शेक कर दिया है। But you know what? We wanted the best for our kids. और अनमोल बहुत ट्राई कर रहा है। लेकिन? लेकिन कुछ नहीं। लेकिन? मुझे ऐसे लगता है कि अनमोल और मेरे बीच में ये कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हो चुके हैं और ऊपर से मेरी मम्मी। Can you do me a favor? Yeah. मैं एक बैंक लॉकर खोलना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक मुंबई रेजिडेंट की गारंटी चाहिए। करवा लूँगा। इनफैक्ट मेरे ही बैंक में कर लो। बैंक मैनेजर मेरे बचपन के दोस्त है। अभी करें? नहीं नहीं आज नहीं। एक्चुअली अनमोल को नहीं पता मैं ये लॉकर खोलने वाली हूँ। आई अंडरस्टैंड। ये स्त्री धन, आई गेट इट। मेरी मम्मी भी यही कहती है। वो मुझे इतना फोर्स कर रही है ना। बट एनीवे, थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग मी। मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम क्योंकि मैं तुम्हारा नाइट इन शाइनिंग आर्मर। हाय। अनमोल? Come meet na Akash. Hi. Hi, Akash Fernandez, the guitar hero. Yeah, nice to meet you. बहुत सुना तुम्हारे बारे में। मेरा वो मैं निखिल को कल फुटबॉल क्लास के लिए ले जाऊँगा। उसके कोच से बात भी कर लूँगा एक्स्ट्रा क्लासेस। तुम्हें पता है ना तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। मैं आकाश के साथ अभी डिस्कस कर रही थी कि वो बॉय है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पोर्ट्स खेले। आकाश agrees with me. Oh, how nice. Akash agrees on this. So what else does the Indian modern man agree with? Look, ये तुम्हारे बीच में है। Parenting एक पर्सनल चीज होती है। जो एक के लिए सही है, वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए सही है। आकाश, you're so good with तारा नक्षत्र, और वो भी अकेले। भाई, तुमसे तो सभी impressed हैं। I just wondering, what is your ex-wife or girlfriend or maybe partner? Think about this. I gotta go, you know, take the kids. I'll see you later. Nice meeting you. Akash, तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मैं अभी आए हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? दीक्षा के यहाँ for drinks. और तीनों बच्चे? तुम तो बहुत अच्छे डैड हो। तुम ही देख लो, अर्जुन को भी। Of course, मैं संभाल सकता हूँ। What do you think? अपना अपनी वाइफ के साथ कोऑपरेट तो कर ही सकता हूँ और अपने बच्चों की या बेबी सिटिंग कर सकता हूँ। वाह वाह क्या बात है। हम करें तो मदरहुड, आप करें तो एहसान। तालियां। मामा पोटी। Enjoy. Don't wait up for me. मम्मी हाथ दर्द हो रहा और नहीं हो पाएगा। अच्छा मेहनत मैं करूंगी मजे तू लेगा। चल घुमा। एक ही जनानी वाले काम करा रही है मेरे लौंडों से। पापा कपकेक होते थे पुत्र, अब तो इस पे डेकोरेशन भी करेगा फुल पत्ती वाले। हॉबी है उसमें क्या है? कुछ ढंग की मर्दों वाली हॉबी सिखा इनको। देखिए ड्रिंक ले आ। ये सिखाओगे तुम ड्रिंक्स? रोज स्कूल से शिकायत आ रही है कि आज इसको पीट दिया, आज ये तोड़ दिया। तो खाना बनाने सुधर जाएंगे। देख प्रीति, हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता। पता तेरे घर में क्या चलता है? सारे हाइपर मुंडे ना बड़े होके गुंडे मवारी। और क्या बकवास कर रही है हमारे बच्चों के सामने? बना ले अपने मुंडिया ना गुंडे। मैं जा रही दीक्षा के घर। रुक प्रीति, तेरी सहेली आऊंगी वहाँ पे। हाँ तो बड़ी गड्डी लेके जाना। Don't worry, D. We are going to hire the world's best lawyer for you. Yes. देखना जिगर का change of heart हो जाएगा. All I can say is that opposites don't make good parents. Don't say that, Diksha. You're so good with Neeru. Good is pushing it a bit. Different. Different's a better word. You know, I can't say I haven't heard that before. नहीं different है तो क्या? She still has every right over her child. I mean, what is this world according to Ajo? Hey, easy. We're on the same side today, bitch. Just for today. अरे यार, गम का साथी red wine. अरे बस हो गई यार red wine. फलों का रस है. Fully organic. Fully organic तो ये भी है. किसे चाहिए? Really? ऐसे एक बात बताऊं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना एजो को है. एजो, पीजिए. You're so kind. इसी बात पे bottom up. Bottoms. और to you too एजो. Lecture ना दे. पीटीए meeting थोड़ी है. तू wine पी यार बस. Cheers. शामी तो ही जैसे है नदी. La 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 la. तो वाइन जल गई लगता है. तो सेपरेशन से पहले हम तीनों यहीं रहते थे, पर अलग होने के बाद हमने सोचा कि we didn't want to displace नीरू, तो नीरू and I stayed on and जिगर moved out. लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं इस घर में अकेली रह जाऊँ. Don't worry. You got this. और वैसे भी यार मम्मियाँ अकेली होती है ना, ये जो पेरेंट्स की गाड़ी है ना, हम ना अकेली चलाते हैं बेटा. Well, cheers to that again, mommy. And वैसे, where did this truth bomb come from? ये मेरा ओरिजिनल नहीं है. मैंने ना वो मेंटल मॉम की कोटेशन की है. She's talking that mental mom. Mental mom? Who's mental mom? You don't know mental mom? अरे the blogger. She's very smart. नहीं, तेरे जैसा स्मार्ट नहीं है, तू उससे ज़्यादा स्मार्ट है जो. I promise, but you know really, है ना? I just read her article last week. She's totally legit. हाँ, यार वो जब पढ़ती हूँ ना उसका, मुझे लगता है कि हमारे जैसे confused mom. हाँ, she's totally legit. वो confused mom ही है, and I think she's a bad mom also. Excuse me? She never has any solutions. जो दिल कहे वही करो. अरे बच्चे ऐसे थोड़ी पलते हैं यार. There are set rules to parenting. जिसकी किताब, हाँ वो rules की किताब जो है ना, ये किताब ना encyclopedia की size है. अब पूछ किसने लिखी है? हमारे ये जो ने. बस मतलब यही बात है कि बस छप जा. छपेगी. Excuse me मीरा, हमसे कौन है ज़्यादा interesting? वो आकाश का मैसेज था. Hot Akash, perfect Akash, sensitive Akash, overrated Akash, in need of help Akash. वो बेचारा, he feels left out now. He's not on our mommy groups. He feels very alone. Maybe because he's not a mom, he doesn't make the cut. Besides, he just doesn't have the necessary equipment. के ऊपर से निकल गया आपका 3 पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म हो गया. मिस कॉर्पोरेट का. Well, कल मैं इतना कूल बन रहा था कि आई एम इन टच विद माय फेमिनिन साइड, लेकिन आज तारा ने नक्स का पीपी को देखे, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि पापा मुझे भी एक पीपी चाहिए. Dude, I'm not prepared for this. How do I answer these questions? It's not that tough, Akash. Easy for you to say. Sometimes I feel, you know, a girl needs a mom. आंटी चलेगी, मैं आती हूँ तारा से बात कर. Amayra, thank you. You're the best. Okay, girls, I have to leave. अरे, Ollie, dinner भी नहीं खाया. All okay? Akash needs me. Oh. Okay. Now, if he needs you, he needs you. Yeah. Thanks for inviting me. Thanks for coming. Amayra, thanks. You were really sweet with her today. I think I just panicked. Relax. बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, natural curiosity. I guess. कभी-कभी लगता है अकेले इन दोनों बच्चों को कैसे सिखाऊं? वो स्कूल में सभी बात करते हैं, you know. about your wife? It's a long story. फिर कभी बताऊंगा. Now it's just me. मम्मी भी हूँ और डैडी भी. ये क्या है? Where are the boards? I think अब सारे लोग यूनिसेक्स होंगे. यार मैं बॉयज के साथ लू शेयर नहीं करने वाली. I don't mind sharing with the girls. किसने किया ये? अमायरा शर्मा. अमायरा? ये आकाश वही गिटार हीरो. Why is he deciding कि हमारे घर में क्या होना चाहिए? इतने नेगेटिव क्यों हो रहे अनमोल? हम बात कर रहे थे तो टॉपिक निकल आया. आकाश फील्स की बुलिंग से बचने के लिए दूसरे फॉर्म की बुलिंग विल नॉट हेल्प. अब आकाश कह रहा है तो सही कह रहा होगा. हेलो जब अमायरा से टीचर ने पूछा तो उसने कहा कि हमारा स्कूल जेंडर सेंसिटिव नहीं है, हम बायस्ड है और इस स्कूल में जेंडर ही नहीं होना चाहिए. हमारी अमायरा ऐसी नहीं है. अनमोल सीन लेकिन अमो डजंट टॉक लाइक दैट. ये सब आइडियाज उसे कैसे आए? I just don't get it. अनमोल कोई और बात है तुम्हें हैंडल करना होगा. इस वक्त तो मुझे किसी भी पेरेंट्स की कोई कंप्लेन नहीं आई है, बट इन केस इफ इट हैपेंस देन आई एम सॉरी, आई विल बी फोर्स्ड टू टेक सम एक्शन. नहीं मैं देख लूंगी. सॉरी भैया, आई मीन मिस्टर अवस्थी. थैंक्स. ऑलराइट थैंक्स. लेट्स गो. यू गॉट इट कम ऑन यू गाइस. लेट्स गो टिमी निकल यार. टिमी शर्मा यार व्हाट यू डूइंग? लड़कियों की तरह मत खेल. लेट्स गो शर्मा. लेट्स गो यार. कम ऑन ग्रैब द बॉल. कम ऑन ए ऐसे ही खेलते रहोगे तो टीम में नहीं लूंगा. कम ऑन. चलो पास. अमो मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजे पे जेंडर हटाने से तुम्हारा जेंडर नहीं बदलेगा ना. I hate being a girl, okay? Mom, सब कुछ different हो रहा है. My body is changing. I hate running. I hate everyone looking at me. Amu, open the door, baby. मैं girls' room में गई थी and some seniors they started teasing me. They said that I'm blooming. Silly girl, मम्मी को बताना था. लड़कों के साथ ये सब क्यों नहीं होता? Why is this happening? तुम बड़ी हो रही हो इसीलिए. It's all part of growing up. अभी तो बहुत कुछ बाकी है. You will develop, your body will grow, periods होंगे. Oh no. और boys? वो जैसे वैसे रहेंगे? They won't change? Boys भी तो बदलते हैं. तुम देखना कितना मजा आएगा जब निक्की बड़ा होगा. उसकी आवाज will crack, gruff voice. आधी मूछे आधी दाढ़ी. It will be really funny. और जब ये awkward phase खत्म हो जाएगा, you will be a vibrant, beautiful woman. अभी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली training bra दिलाती हूँ. Let's go shopping. Bra? Yeah, bra. ए, काय चालले डोक्यामध्ये तुझ्या? क्यों इनके पीछे पड़ी है? इसकी मुझसे कितनी शक्ल मिलती है? अरे आई शपथ ये देखना. अरे भोगी ना, हमने तो दिया है ना उनको. अभी क्या मिलेगा ये सब के बारे में सोचकर? मिल तो बहुत कुछ जाएगा. कितनी अमीर लग रही है ये. See this one? This is good. It's good, but I like this one. Yeah, let's take this one and this blue. As my kids grow, so will their bodies. Puberty is hard enough to deal with. और उस पे जेंडर टैबूज लगा दो तो बस. कपकेक खराब हो जाएगा ना यार. मम्मा कपकेक फॉर यू. शायद मेरे पेरेंट्स के लिए आसान था. मेरा भाई शॉर्ट्स पहनता था और मैं स्कर्ट्स. इट वाज अ डिफरेंट टाइम. पर आज मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहती. आई वांट देम टू नो कि उन्हें किसी भी बॉक्स को टिक करने की जरूरत नहीं है. नो फुटबॉल. No football. As they grow, they can tick their own box. वो अपनी identity खुद ढूंढ सकते हैं. वो अपने जेंडर को खुद नाम दे सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, वो स्टैचू है ना, अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर, अगर उसकी जगह ये लिखा होता कि अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर एंड अ फादर, तो ये जेंडर डिबेट कब की खत्म हो चुकी है।